सो एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इवन मैं मेरे लाइफ में भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत खचर पचर आवाज़ हो रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करें। माई गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मैं आप लोग से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हर वक्त ऐसा वीडियो करना चाहती थी लेकिन मैंने कभी किया नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे आप लोग सब, आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक बहुत स्पेशल कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मैं एक लहंगा हॉल कर रही हूँ और मैंने लहंगा लिया है फ्लिपकार्ट से। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक ऐसा कुछ हॉल शेयर करूंगी लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन कभी कभी आ जाता था कि मैं ऐसा कर नहीं पाती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कर दिया है फाइनली। मतलब मैंने लहंगा खरीद लिया है लेकिन मैंने अभी तक उसे ओपन नहीं किया क्योंकि मैं ओपन करूंगी आपके साथ। जी हाँ, आज मैं एक हॉल आपसे शेयर कर रही हूँ और इस हॉल में मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से एक लहंगा और ये लहंगा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब अगर आपको अच्छा लहंगा चाहिए तो ऑब्वियसली आपको 200-300 रुपये में अच्छा लहंगा मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो लहंगा था इसका प्राइस मतलब इतना भी हाई नहीं था और इतना भी कम नहीं था। ये शुरू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ एक बेल बटन है उसे भी आप बजा दीजिए ताकि आपको मेरा जो नया नया वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये लहंगा हमें कैसा मिला है। तो ये आया है कुछ बॉक्स, बस एकदम पैक वाला एक बॉक्स आया है, तो मैं ये नाइफ ही यूज कर रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। सो चलो ओपन करते हैं। इसके अंदर एक ऐसा एक नॉर्मल जो बिल होता है वो है और उसके साथ है ये लहंगा और ये प्लास्टिक रैप का अंदर और एक प्लास्टिक रैप का अंदर ये लहंगा है। अब ओपन करते हैं इस सुंदर सा लहंगा को जिसका मैं जब ऑनलाइन देखी थी उसका फोटो कुछ ऐसा था। अब इसे ओपन करते हैं। मैं खुद ही देख रही थी लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मैंने कभी भी इसके पहले लहंगा ऑनलाइन खरीदा नहीं है, सो मुझे पता नहीं है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो उतना परफेक्ट नहीं बना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा समेट लेती हूँ पहले। तो ये एक सेमी स्टिच लहंगा है। पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या मिला है। ये दुपट्टा मिला है, दुपट्टा का जो सब कुछ है वो बाद में हम देखेंगे। क्या हम लहंगा और चोली देख लेते हैं। सो ये है वो लहंगा। कलर मैंने जब देखा था तो मुझे मरून लगा था और एकदम डार्क एक मरून कलर में है और उसके ऊपर में ऐसा गोल्डन काम किया हुआ है, मतलब गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है, धागा का काम है, कुछ कुछ धागा ना ऐसा निकला हुआ है छोटा मोटा, ये तो रहता ही है। रैप करके आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना घेर है। और इसका जो ब्लाउज का पार्ट है वो इसी में ही ऐसा सिला हुआ है, मतलब आपको निकालना है यहाँ से। ये है वो ब्लाउज का पार्ट, आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा होगा। यहाँ से इसका जो नेक है ये होगा वी नेक और नेक के सामने बहुत सारा काम किया गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ तक काम है आप देखिए। और ये जो काम किया गया है ये गोल्डन के साथ एक पिंक कलर का धागा से काम किया गया है। दो तरह का यहाँ पे एक पिंक है, एक जो पिंक है वो रानी कलर है, मतलब ये वाला जो कलर आप देखते हैं ना ये कलर, और एक जो पिंक है वो एकदम लाइट। और ब्लाउज का जो मटेरियल है ये सामने का है और पीछे का प्लेन है, पीछे का ये देख सकते हैं आप प्लेन है यहाँ पे। इसका जो स्लीव्स है वो उसके लिए भी अलग मटेरियल दिया गया है, वो भी मतलब गाउन के साथ स्टिच है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक है, मतलब ये एक हाथ का है और ये एक हाथ, और मैं इसे बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे ये वाला लिपस्टिक के साथ ये कलर मैच हो रहा है ना। ब्लाउज का डिटेलिंग तो मैंने आपके बोल दिया, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि जो लहंगा है ये कैसा है। जो लहंगा है ना इसको मैंने जल्दी से रैप करके देख लिया, सो मेरे कमर में ना ये आने के बाद भी बहुत सारा कपड़ा बचा रहेगा तो इससे बहुत अच्छा फ्लेयर आएगा। जो लहंगा है इसका बॉटम में ऐसा पूरा काम किया गया है जिसके लिए बहुत अच्छा लुक आने वाला है, मतलब शादी फंक्शन या फिर रिसेप्शन के लिए एकदम परफेक्ट होगा। पूजा भी रहेगा घर में, उसके लिए हम आराम से पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम परचेस है और इसका जो मटेरियल है साइट पे जो मेंशन था मुझे सच पे याद नहीं है, लेकिन मैं देख के आपको यहाँ पे लिख दूंगी साइट पे क्या मेंशन है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन इसका जो कपड़ा है ये सिल्क के साथ कुछ तो ब्लेंड होगा, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर सिल्क है। पूरा नीचे में बहुत अच्छा काम है और उसके ऊपर में थोड़ा 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 ऐसा फ्लावर डिज़ाइन बना गया है। जो ब्लाउज के ऊपर में जो कलर है वैसा वाला कलर से बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास और दो लहंगा है, मतलब मैंने जो लोकल शॉप से लिया है, तो उसमें ना इनर में एक मटेरियल है जिसके लिए क्या होता है ना ये धागा निकल नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगी, इनर के लिए मैं कपड़ा लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये धागा निकल आने से वो फंसते रहता है
और वो धीरे 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 निकल आता है, उसके लिए उसका लुक बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये मुझे सही नहीं लगा कि इसका इनर के लिए कपड़ा नहीं दिया है। कपड़ा भी दिया है ना, ये एक वाइट वाइट कलर का कुछ तो दिया है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। जो पेपर पेपर लग रहा है मुझे, पेपर टाइप का ही लग रहा है। अब देखते हैं इसका दुपट्टा, कुछ तो इसका दुपट्टा मुझे उतना सही नहीं लगा, लेकिन कैमरा में इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है। ये दुपट्टा जो है ये नेट का है, और मुझे पता नहीं कि मुझे ना नेट का आइटम इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। मतलब ये हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन दुपट्टा का जो नेट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट नेट है। वो जो एक खसखस वाला नेट होता है ना, जो अच्छा नहीं लगता है। और जब मैंने शुरुआत पे खोला था ना, मुझे ये कलर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं कैमरा पे देख रही हूँ सच में ये कलर अच्छा लग रहा है। और इतना भी ख़राब कलर नहीं है, मतलब मुझे ये वाला पिंक उतना पसंद नहीं, मुझे दूसरा वाला पिंक पसंद है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि लहंगा के साथ ऐसा ही थोड़ा सा कलरफुल दुपट्टा अच्छा लगता था। और जो दुपट्टा का जो एंड में, मतलब दोनों तरफ में, ये जो लहंगा में जैसा और ब्लाउज में जैसा काम किया गया है, सेम टू सेम वैसा ही काम दुपट्टा के चारों तरफ से है। तो उसके लिए दुपट्टा का एक अच्छा डिज़ाइन आता है। ऑल अभी रिव्यू पे आते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो आपको पता ही होगा, फिर मैं और एक बार बोल रही हूँ 1149। ये एक सेमी स्टिच लहंगा है, मतलब थोड़ा आधा स्टिच किया आधा आपको करना है, ब्लाउज आपको पूरा सिलाना पड़ेगा, और अंदर में हो सके तो आप एक इनर लगा दीजिए। सोच रहे कि आप एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक लहंगा लेना है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप ये लहंगा ले सकते हैं, क्योंकि ये लहंगा का जो मटेरियल है कि प्राइस के कंपेयर करने से बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा एक लुक आने वाला है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी वाइब्रेंट है। एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए, एक पूजा के लिए, एक शादी या फिर रिसेप्शन पार्टी के लिए ये लहंगा एकदम परफेक्ट है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं और एक बात भी आपको कहना चाहूँगी, ये लहंगा का और एक कलर में भी आता है, शायद वो ब्लू है। तो मैं साइट पे चेक करूँगी, अगर वो अवेलेबल रहा तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँगी, आप देख लीजिए। ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट का, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट लहंगा हॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आई होप आपका मेरी वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लहंगा कैसा लगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।